डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दी नेट पेपर प्रिपरेशन सब्जेक्ट कॉमर्स टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट वन न्यू टॉपिक दैट इज मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स इन टोटल बच्चे हमारे इस टॉपिक के अंदर टेन टू ट्वेल्व मोड्स होंगे जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम कैसे एंटर कर सकते हैं इसके वेज बताते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं ये सारा टॉपिक एक ही सेशन में कवर नहीं करने वाली क्योंकि ये आप पजल कर सकता है इन टुडेज वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू कवर दीज़ टू मोड्स दैट इज एक्सपोर्टिंग एंड लाइसेंसिंग एंड फर्दर मोड्स जो बाकी रह जाएंगे आपके टेन इलेवन रेस्ट वो हम नेक्स्ट सेशंस में करते जाएंगे वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट अ वीडियो ओके सो द वेरी फर्स्ट मोड इज एक्सपोर्टिंग ध्यान से सुनना है बच्चे ऑप्शन आती हैं एक्सपोर्टिंग वाले क्वेश्चन में तो आप चारों पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्सपोर्टिंग तो चारों ही पॉइंट्स में बात हो रही है अब आपको यहाँ पर क्या डिटेल में स्टडी करना है कि एक्सपोर्टिंग में भी कितने टाइप्स हैं क्या चीज एक्सपोर्ट की जा रही है कौन से मेथड से की जा रही है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सो द वेरी फर्स्ट इज एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का मतलब देखिए बच्चे जब हमने ट्रेड पढ़ा था लोअर क्लासेस में तो सिंपल था इन विच वी डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट तो एक्सपोर्ट का क्या होता था एक्सपोर्ट जस्ट मीनिंग इज व्हेन यू सेल गुड्स टू दी आउटसाइड कंट्रीज जब आप अपने देश से कोई भी चीज़ जो आपकी देश की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और उसको आप जब दूसरे नेशन में सोल्ड करते हो सेल करते हो दैट इज व्हाट इज एक्सपोर्ट करना है ना इंपोर्ट करना होता है जब आप दूसरे नेशन से बाय करते हो और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप सेल करते हो अब एक्सपोर्टिंग के थ्रू भी आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर कर सकते हो कैसे कर सकते हो एक्सपोर्टिंग देखिए इन दिस सिलेबस वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ एक्सपोर्टिंग ओके थ्री काइंड्स की कौन सी है फर्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है और आप दूसरी मार्केट में इस तरीके से एंटर कर सकते हो देन इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड द लास्ट वन एंड वेरी न्यू वन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफर इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं या उनको पता ही नहीं होता है

फॉर कस्टमर या मार्केट आप डायरेक्टली डील नहीं करते हो आप किसी मीडिएटर के साथ दूसरी कंट्री के कस्टमर से डील करते हो कैसे मैं आपको बताती हूँ सपोज कीजिए ये है यूएसएके okay? और ये कोई भी अदर कंट्री लगा लीजिए लाइक सिंगापुर ओके okay? तो यूएसए ने अपने प्रोडक्ट सिंगापुर में भेजने हैं तो यहां पर वो क्या करते हैं डायरेक्ट यूएसए कंट्री की बात नहीं करें यूएसए की कोई कंपनी ए है और सिंगापुर की है कंपनी बी तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग आप दोनों ही टर्म्स को इकट्ठे समझ लीजिए डायरेक्ट में क्या होगा कि यूएसए डायरेक्ट जो कंपनी ए है वो कंपनी बी को अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है ये होगी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट में क्या होगा कंपनी ए डायरेक्ट कंपनी बी को सेल ना करके बीच में एक मीडिएटर को ले आती है कंपनी सी ओके सो so कंपनी पहले कंपनी ए कंपनी सी को प्रोडक्ट भेजेगी फिर कंपनी सी कंपनी बी को भेजेगी तो अब यहाँ पर ए डायरेक्टली डील नहीं कर रही है उसको बी के यहाँ के जो कस्टमर्स हैं डीलर्स उनके साथ डायरेक्टली डील नहीं करना वो कंपनी सी के थ्रू कंपनी बी में एंटर करेगी सो एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेरियस होम बेस्ड एक्सपोर्टर्स होते हैं हमारे होम बेस्ड मीन्स मतलब यूएसए में ही और भी कंपनीज़ होंगी जो कहेगी आप अपना सामान हमें लाइए हम दूसरी कंट्री में भेज देंगे तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे होम कंट्री ये होगी कंपनी ए ये रिस्क से बचने के लिए या फिर एक काइंड kind ऑफ of अपनी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन को रिस्क उठाने के लिए क्या करती है कंपनी सी को अपॉइंट कर लेती है कि अपना हमने रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया थर्ड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया और वो हमारे लिए काम करेंगी तो ये होम बेस्ड होती है यूएसए में कंपनी सी भी यूएसए की ही है ठीक है तो इसमें क्या होता है मैन्युफैक्चर्स एक्सपोर्ट होते हैं एजेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट्स जिनको हम बोल देते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट्स जो होते हैं इंटरनेशनल फॉर्म्स ऐसी होती है वो सब इनके काम करती हैं इट मीन्स एक्सपोर्टिंग थ्रू डोमेस्टिकली बेस्ड एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी आपके डोमेस्टिक कंट्री में एक इंटरमीडियरी है उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं द एक्सपोर्टर हैज नो कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट उसका कोई कंट्रोल नहीं है ये जैसे भेजेगा वो करेगा बस इसने अपना सामान सी को दे दिया इसका काम खत्म ऑलराइट राइट बचे नाउ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में इट मींस फर्म वर्क्स विद फॉरेन कस्टमर्स और मार्केट्स इट डील्स डायरेक्टली डायरेक्टली डील करती है वहां के प्रोडक्ट्स से वहां के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ एंड देयर डेवेलपर रिप रिलेशनशिप एक जो डेवलप होती है वो डेवलप कहीं होती है डायरेक्ट में क्योंकि आप वहां डायरेक्ट डील करने लग जाते हो सपोज कीजिए कंट्री ले लीजिए चाइना और चाइना को मलेशिया अपना सामान एक्सपोर्ट करना है तो वो डायरेक्टली डील करें चाइना मलेशिया में जाके कंपनी ए यहाँ की डायरेक्टली वहां की कंपनी बी से डील कर रही है राइट बच्चे सो कंपनी कैपिटलाइजिंग

Country and here it's the Malaysia. to yahan kya hai UK में Company A hai aur Malaysia में bhi isi Company ki ek branch hai that is also a Company A, right? तो intra corporate transfers में क्या होता है बच्चे? ये आपस में ही deal करती हैं Company A USA की अपने सामान को export करेगी Company A Malaysia की जो based है सो दीज टू कंपनी कंपनीज आर द सेम एंड इट इज सेड इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफर मीन्स आप अपनी ही कंपनी के ब्रांच के थ्रू दूसरी कंट्री में एंटर कर रहे हो दैट इज इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफर एंड दैट्स ऑल्सो नाउ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेज ऑफ एंट्रिंग इन टू द इंटरनेशनल मार्केट्स राइट बच्चे अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की एक्सपोर्टिंग में एडवांटेजेस क्या होंगी एक्सपोर्टिंग के में देखिए रिलेटिवली लो फाइनेंशियल एक्सपोजर होता है आपका मतलब आप इतना पैसा नहीं लगाते हो सेकेंडली इट परमिट्स ग्रेजुअल मार्केट एंट्री बिल्कुल डायरेक्टली आपको मार्केट में एंटर एंट्री मिलती है आप अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो यू एक्वायर नॉलेज अबाउट दी लोकल मार्केट देयर अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो या इंट्रा कॉर्पोरेट कर रहे हो तो बेस्ट वे है कि आप वहाँ की जो लोकल मार्केट्स है वहाँ का आपको कंप्लीट नॉलेज वहाँ के लोगों का टेस्ट कल्चर का आइडिया कंप्लीट मिलेगा एंड देन अवॉइड रेस्ट्रिक्शन ऑन दी फॉरन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्टिंग एक तरीके का ऐसा वेज है कि आपके जो फॉरन इन्वेस्टमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं वो अवॉइड हो जाती हैं क्योंकि आप डायरेक्ट अपने सामान को बेचते हैं और लोग उस सामान को खरीदते हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट की नीड ही नहीं होती कमिंग टू इट्स डिसएडवाटेज क्या है देखिए एक्सपोर्टिंग की डिसडवाटेजेस क्या हो जाएंगी लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज आती ही हैं आप दूसरी कंट्री में अपने सामान एंटर कर रहे हो टेरिप्स देना देन एक्सपोर्ट <coughs> ड्यूटी लग जाना ये सब क्या करते हैं आपके जो बिजनेस है या आपका जो ट्रेड है उसको लो डाउन करते हैं पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटर uh, आपके लाइक like, कंपनी सी इसके साथ अगर आपके डिस्प्यूट या कोई क्लैश आ गया तो आपका जो सामान कंपनी बी के पास जाना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा आपका ट्रेड जितना लेवल पे चल रहा था उस लेवल पर नहीं होगा ऑल राइट सो इफ देर इज एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है आपको उन डिसएडवांटेजेस को कर्ब करना है मेनली नाउ कमिंग टू द द वे ऑफ इंटरनेशनल मार्केट दैट्स द सेकेंड नंबर फर्स्ट हमने एक्सपोर्टिंग कर लिया और आज का हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा दैट इज लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग वर्ड आपने बहुत सुना होगा लाइसेंस देकर बिजनेस करते हैं लोग है ना तो मेजरली लाइसेंसिंग में क्या होता है देखिए इट इज वेन अ फर्म एक फर्म होती है जिसको हम बोल देते हैं लाइसेंसर लाइसेंसर का मतलब गिवर जो अपना लाइसेंस दूसरे को देती है यहाँ पे मान के चलिए ये एक्स कंपनी है ओके इट लीजिज द राइट दूसरी कंपनी को क्या राइट right दे देती है राइट ऑफ वट राइट टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स आपका कॉपी आपका पेटेंट आपके ट्रेडमार्क आपकी टेक्नोलॉजी आपका वर्क मेथड कैसा है आपका ब्रांड नेम ये सब चीजें आप दूसरी पर्सन दूसरी कंपनी को जब ये राइट्स यूज करने के लिए उनको एक लीज दे देते हो एक राइट right दे देते हो तब क्या माना जाता है आपने उनको लाइसेंस दे दिया ओके okay, और जिस कंपनी को दिया जाता है दैट अनदर फर्म दैट इज यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाई इसको बोल देंगे लाइसेंसी मींस टेकर ये गिवर होते हैं ये होते हैं टेकर तो यहाँ पर वाई को क्या मिल गया है कि वो एक्स कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं जो वो मेथड अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में लगाते हैं उन्हीं सेम मेथड uh, को वो यूज करेंगे उनके पेटेंट्स को यूज कर सकते हैं उनका जो ब्रांड नेम है उसको यूज कर लेंगे अपने प्रोडक्ट में लाके देन वहाँ के जो कॉपीराइट राइट ट्रेडमार्कस हैं उनको यूज कर लेंगे तो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली राइट ये सब क्या है जो ट्रेडमार्क कॉपी राइट्स होते हैं ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट बच्चे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज नाम याद रखिएगा इनको वो राइट दे देते हैं दूसरी कंपनी को यूज करने का लेकिन देखिए ये चीज फ्री में तो नहीं होगी किसी प, किसी भी फॉर्म की ये चीज क्या है उनका एसेट है और वो ऐसे फ्रीली नहीं बांट देते हर कंपनी को तो वो इन रिटर्न उनसे क्या चार्ज करते हैं फीस ओके एक फीस या पेमेंट उनसे ली जाती है और उस फी या पेमेंट को क्या बोलते हैं लाइसेंस फीस राइट right? वो मंथली भी देनी हो सकती है एनुअली भी या ओवरऑल एक ही बार में वो दे देते हो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस क्या है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स कंडीशंस क्या है ऑल राइट तो हम इसके फेमस एग्जांपल्स क्या देखेंगे पेप्सिको पेप्सिको जो है वो अपने लाइसेंस को देती है लाइसेंसिस को लाइसेंसिस अप्लाई करते हैं कि हमें पेप्सिको ब्रांड का लाइसेंस चाहिए ताकि हम सेम प्रोडक्ट को अपनी कंट्री बनाए इन रिटर्न हम आपको फीस देने के लिए तैयार है ठीक है तो पेप्सिको में क्या हो गया था आ, ये हमने देख लिया एक क्या था कॉक आपने देखा हो बोटल कोक बोटल कंपनी जो है वो अपनी बोटलिंग के लिए जो उनकी क्या होते हैं बोटलिंग प्लांट उसका लाइसेंस देती है देन नेक्स्ट इज योर फैंटा फैंटा इज आल्सो अ ड्रिंक वहां पर भी क्या है लाइसेंसिंग दी गई तो ये बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें हमें लाइसेंसिंग के एग्जाम्पल क्लियरली देखने को मिलता है ये आपको इन ब्रांड्स के जितने भी प्लांट होंगे या इनके जितने भी आपको शोरूम्स या मेजरली uh, मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको सिर्फ एक कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा वो डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है वहां के जो मेन ऑनर है उन्होंने लाइसेंस को लीज पर दे दिया है जो अदर पर्सन है उनको और इन रिटर्न में उनसे फीस चार्ज कर रहे हैं ऑल right? तो लाइसेंस जब आप किसी को देते हो अब इसमें भी ये भी एक तरीके का क्या है मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने लाइसेंस को देकर दूसरी कंट्री में आ रहे हो वहां के बिजनेस में पकड़ बना रहे हो इसका मतलब यू आर एंटरिंग दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे अब लाइसेंसिंग की एडवांटेजेस क्या होंगी बच्चे देर इज अ वेरी लो फाइनेंशियल रिस्क क्योंकि रिस्क आपका तो कुछ है ही नहीं आपने तो जस्ट लाइसेंस दिया है और आपको उसके रिटर्न में फीस मिल जाएगी रिस्क तो सारा जिस ओनर ने जिस लाइसेंसी ने आपका राइट लिया है कम सारा वही बियर करेगा सो दैट इज लो फाइनेंशियल रिस्क वे देन इट इज द इजिएस्ट वे ऑफ गेटिंग इन टू द इंटरनेशनल मार्केट इट गिवस फ्री एक्सेस ओके इट अवॉइड टेरिफ्स अब आप अपने प्रोडक्ट को सपोज कीजिए दूसरी कंट्री में लेके जाते तो टेरिफ लगता एक्साइज ड्यूटी लगती अब आपने क्या किया जस्ट लाइसेंस दे दिया और जो पर्सन होगा सपोज यहाँ पे एक्स एक्स ने लाइसेंस दे दिया और वाई उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में ही बनाएगा तो बनाने से क्या होगा ये जो टैरिफ्स लगते हैं टैक्सेस लगते हैं बच जाएंगे है ना बच्चे एंड देन लाइसेंसी प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट्स अब लाइसेंसर को एक और फायदा है कि लाइसेंसी लाइसेंसर को हर वो नॉलेज देगा कि जो उनके आसपास के लोग हैं लोकल लोग हैं उनको क्या डिमांड है उनकी क्या टेस्ट है

राइट मेन चीज इसमें क्या होगी मेजर डिसएडवांटेज कैन बी चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं लाइसेंस ही सपोज कीजिए उनका लाइसेंस लेकर उस ब्रांड uh, नेम को या उसमें ब्रांड नेम को यूज करके क्वालिटी इतनी अच्छी ना दे प्रोडक्ट की तो क्या होगा ब्रांड नेम ही तो जाएगा

so this is also one of the way of getting into the entry into international markets so I hope in today's session you understood these two topics very clearly and if you get any problem comments me below बच्चे क्या होता है कि अभी तक हम जितने भी session करते आ रहे थे तो हम last में practice question रख रहे थे set of questions but in today's session we are not going to do because ये एक पूरा topic हम जब cover कर लेंगे तब हम last में overall topic के questions करेंगे ठीक है और वो जस्ट फोर फाइव नहीं होंगे वो मेजर फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे राइट right? क्योंकि अभी इन दो जस्ट टॉपिक पे क्वेश्चन आपके बने ये इससे क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस में जो एग्जाम में आएंगे एग्जाम में आपकी जितनी भी टेन इलेवन वेज है इनकी ऑप्शन आती हैं तो जस्ट एक्सपोर्टिंग और लाइसेंसेस के बेस पर अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करवाऊंगी क्योंकि इससे आप कंपटीशन लेवल को फेस नहीं कर पाओगे राइट सो इन टुडे सेशन दिस इज ओवर and in next we are going to cover next major ways of entering into international market right till then have a good day stay tuned keep watching thank you